गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, अभी बज गए हैं सुबह के 11:30 और मैं सुबह से लग रही हूँ संगवाने के लिए। तो मैंने सब अपना सामान सेट कर दिया अच्छे से। तो मैंने सोचा अभी तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो, क्योंकि फिर दिखाने के लिए रहेगा ही क्या। तो पता है मैं क्या सोच रही हूँ, ये जो मेरे गद्दे हैं ना, जो ये गद्दे मेरे पुराने वाले सोफे के बचे हैं, मैं सोच रही हूँ जो ये हमने मंगाया है, ये तो रिमोट है, ये जो हमने मंगाया है, तो मैं सोच रही हूँ इनके यहाँ पे लगा दूँ। आप बताओ लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। तो यहाँ पे ये अगर ऐसे लग जाएंगे ना, ऐसे तीनों लग जाएंगे, तो पता क्या होगा, कोई सहारा लगा के बैठेगा ना तो दीवार गंदी नहीं होगी। जैसे कि ऑयल वगैरह होता है बालों में, तो वो दीवार पर लग जाता है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, आप बताइए कैसा लग रहा है, मतलब सही लगेगा। तो अभी मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। तो गाइस बताइए अच्छा लग रहा है ये गद्दे लगाने के बाद? तो वैसे भी वेस्ट है हमारे, और मेरा फेंकने का मन नहीं है, क्योंकि ये शादी के हैं, मेरी शादी का था वो मेरी सोफा, तो इसलिए ना थोड़ी सी यादें जुड़ी हुई हैं, तो मेरा मन नहीं है इन गद्दों को फेंकने का। तो इस वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि रख लूँ। तो बताओ आप अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो मैं फिर अभी मैं इस पर इनके कवर बना दूँगी, उसके बाद ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेम कवर बना दूँगी ना, तो ये भी सेम हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा। तो कवर बनानी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल जब चढ़ा रहे थे ना इनको, तो सीढ़ियों से ना स्क्रैच, थोड़े थोड़े स्क्रैच लग गए, आप देख रहे हैं, थोड़े थोड़े से स्क्रैच लग गए हैं। तो भाई पैसा गया है तो भाई दुख होता ही है। आपको दिखाऊं, इसमें भी लग गए स्क्रैच, ये देखिए है ना। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ इनके कवर बना दूंगी। तो कवर से क्या होगा कि स्क्रैच नहीं लगेंगे। अब बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ उनके हाथों में नोकीला सा होता है, तो वो चला देते हैं तो उससे स्क्रैच हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कवर चढ़ा देती हूँ। तो अभी मैंने सारा सामान तो कर दिया सेट, आप देख सकते हैं बेड पूरा क्लीन कर दिया और ये मेरा सोफ़ा भी सेट हो गया। और यहाँ पे मैंने वही वाला कवर चढ़ा दिया है जो मेरा पहले वाला था टेबल का। रात को मैंने कुछ और चढ़ाया था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे मैच कर रहा है ना ये, तो इसलिए मैचिंग हो रही है, इसलिए मैंने यही चढ़ा दिया है, तो अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं फटाफट से झाड़ू लगा के अच्छे से कालीन वगैरह बिछा लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरा दिखाऊँगी अच्छे से। और अभी वो वाला रूम है ना, तो उसमें तो सारा फैला ही पड़ा है, जो भी मुझे फेंकने का है उसको भी मैं क्लीन करूँगी, एक साइड कर दूँगी। सारा सामान हस्बैंड आके शाम को फेंक देंगे, थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ उसके बाद ही करूँगी। तो आज ना हस्बैंड सुबह 5 बजे ही चले गए थे, उनकी बुकिंग थी, कल ही बुक कर दिया था उनको किसी ने, तो इस वजह से ना वो 5 बजे ही चले गए। तो मुझे खाना वगैरह आज बनाना है नहीं, क्योंकि मैंने सुबह 4 बजे उठ के उनके लिए खाना बनाया, तो वो 5 बजे जाना था उनको, तो खाना मैंने सबके लिए बना दिया फिर। और आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई, इसलिए मैं सुबह 11:30 बजे फ्री हो गई हूँ मैं सारा सेट करके। और मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं करी वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और सब धो धो के लगाना तो टाइम तो लग ही जाता है। तो आप लगा लीजिए, मैं 6 बजे फ्री हो गई थी सारा काम करके, और 6 बजे से 11:30 हो गए, बस बीच में मैं तुलिका को छोड़ने गई थी 7:15 बजे। तो आज बब्बू नहीं गई स्कूल, तो क्यों नहीं गई बब्बू? क्योंकि बब्बू का स्कूल है दूर, तो हस्बैंड तो लेने जा नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुकिंग है पूरा दिन की है, तो रात को ही आएंगे वो, तो इस वजह से ना तो इसको छोड़ने जा पाते वो, और ना ही लेने जा पाते, और इतनी दूर है, तो मैं तो भाई जाना पॉसिबल था ही नहीं मेरा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं स्कूटी ले लूँ और सीख लूँ, तो मतलब हस्बैंड का काम मतलब हो जाए करेगा, नहीं तो इसकी वजह से ना उनका काम नहीं हो पाता पूरा, तो इसकी वजह से उनको आना पड़ता है, चाहे कितनी भी दूर हो वो लेने के लिए, छोड़ने के लिए और लेने के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसके स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है ना इस वजह से। तो देखते हैं अगर मैं सीख पाई तो, वैसे पता नहीं, मुझे डर बहुत लगता है, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं उस वाले रूम को भी क्लीन करूँगी, सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने सब कुछ सेट तो कर दिया, सिर्फ झाड़ू लगानी रह गई है, वो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा मैंने सुबह लगा दिया था 2 बार, तो अभी मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मोटा मोटा ही ये सब उठा लूँगी, और मेरा है रूम क्लीन, वो वाला रूम क्लीन करूँगी मैं अच्छे से। उसके बाद हस्बैंड फेंक देंगे, या तो रात को आएंगे वो लेट तो फेंक देंगे, अगर उन थके ना होंगे तो ज़्यादा, अगर अदरवाइज थक गए होंगे ना तो सुबह ही फेंकेंगे वो, फिर उनकी हिम्मत नहीं होती। तो आइए स्टार्ट करते हैं झाड़ू वाड़ू लगाना।
देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है मेरा रूम। और यहाँ पे मेरी जो कालीन है ना वो भी मैच कर गई है, आप देख सकते हैं मैच कर रही है ना। तो अभी बस मैं सोफे का बनाऊंगी, कुछ जुगाड़ करती हूँ, देखते हैं। तो ये वाला कवर बनाया था मैंने आज सुबह, आप देख सकते हैं घर में जो मटेरियल पड़ा हुआ था सिर्फ उसी से बनाया मैंने, बाहर से कुछ लेके नहीं आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसका भी बनाऊंगी मैं, तो देखते हैं मैचिंग का कपड़ा मिलता है या नहीं बेड में। और तो आप ज़रूर बताना कि मेरा रूम आपको कैसा लग रहा है। तो मैचिंग का कपड़ा देखती हूँ मैं बेड में ढूंढूंगी। वैसे मम्मी ने मेरे को सर्दियों में गई थी, शायद सर्दियों में गई थी या गर्मियों में ही गई थी, 15 दिन के लिए गई थी ना मैं रहने, तब तो 2 चद्दर दी थी मम्मी ने मुझे डबल डबल वाली। तो मैं सोच रही हूँ उससे इसके बेड के और इसके कवर बना देती हूँ, तो नई नई अच्छी लगेगी। तो देखते हैं कैसा लगेगा। तो वो चद्दर निकालूंगी नीचे वाले बेड में। तो अभी मैं चलती हूँ उस वाले रूम को क्लीन करती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो और खाने में बताऊँ मैंने आज क्या बनाया है, तो जैसे कि हस्बैंड ने कहा कि मैं सब्जी तो ले जा नहीं सकता कोई भी तरी वाली, तो आलू के पराठे बना दिए। तो मैंने सुबह ही आलू बॉईल करे और आलू के पराठे बनाए, और वो तो सिर्फ आलू के पराठे और अचार लेके गए हैं, और हमने अपने लिए आलू के पराठे और साथ में रायता बनाया आलू का, जो कि मेरा फेवरेट है दोनों चीज़। तो बस खाने में यही है। और आज मुझे तुलिका को भी लेने जाना पड़ेगा, तो तुलिका का स्कूल तो ज़्यादा दूर है नहीं, यहीं है पास में ही है, 5 मिनट लगते हैं। तो उसको तो मैं ले आती हूँ और छोड़ आती हूँ, बस इसी की थोड़ी सी दिक्कत है। तो 1:30 बजे उसको लेने जाऊँगी, अभी टाइम है, जब तक मैं उस वाले रूम को क्लीन पूरा तो नहीं कर पाऊँगी, एक कोने में इकट्ठा कर दूँगी सारा, बाकी हस्बैंड सब फेंक देंगे जब क्लीन होगा वो अच्छे से। और जब सब फेंक देंगे ना हस्बैंड, उसके बाद मैं उसको धो दूंगी या फिर पोछा लगा दूंगी, तब जाके अच्छे से क्लीन होगा। अभी मैं सिर्फ उसको इकट्ठा कर देती हूँ। ये छोटा सा पंखा दिख रहा है आपको, तो कल इस वाले रूम में मैं सफाई कर रही थी ना, इस वाले में तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, सारी चीज़ धो धो के रख रही थी, तो मैंने फिर ये इसके चाचू से मंगवाया, बाहर जो दुकान है उनकी, तो ये पुराना ही है, बस मैंने थोड़ी देर के लिए मंगवाया था, तो अभी दे दूँगी मैं उनको। आप देख सकते हो मैं पूरा रूम कर दिया एकदम क्लीन, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कितना सारा गंद निकला है, बहुत सारा। तो अगर सर्दी होती ना तो ये गत्ते वगैरह जल जाते, लकड़ी मतलब लकड़ी जलाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उससे ये मतलब लकड़ियाँ जल जाती हैं इन गत्तों से। तो अभी तो ये फेंक देंगे, क्या करेंगे, अभी सर्दी है नहीं, सर्दी तक कौन इनको बचा के रखेगा, तो इतना गंद निकल गया है। फाइनली मेरा रूम एकदम मस्त लग रहा है, तो ये वाला रूम भी आपको दिखा देती हूँ पूरा, ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। तो ये तख्त जो है ना एकदम सही तख्त है, आप देख सकते हो इसकी प्लाई भी कितनी फिनिशिंग है सारी। तो ये तख्त मम्मी और रख लेंगी, अगर मम्मी और रखेंगी तो ठीक है, नहीं तो हम ऊपर डाल देंगे, ऊपर रात को लेटने बैठने के लिए सही है, लेकिन ऊपर डाल दो ना तो फिर ये ख़राब ही हो जाएगा, बारिश में फूल जाएगा, बारिश वगैरह आए करेंगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो देखते हैं मम्मी रख लेगी, वैसे देख सकते हैं आप कितना अच्छा तख्त है। तो बस इसीलिए मैंने निकाल दिया कि भाई इसमें ना कुछ सामान नहीं रख पाते थे, बेड में सामान आ जाएगा, और सामान रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मेरे यहाँ, आप जान। तो जैसे कि आप जानते हो कि सिलाई वगैरह का काम करती हूँ, तो मेरे यहाँ पे कपड़े वगैरह सबसे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, कत्तर वत्तर ये वो तो सब सेट हो जाए करेगा ना अब रूम में। तो पता है अभी तो बेड भी मेरा, अभी मेरे पास इतनी सारी स्पेस बच गई है, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तो इधर वाले बेड में जो मैंने सेट किया है ना, तो उसमें भी आधी जगह बची पड़ी है, और इसमें तो अभी मैंने कुछ सेट ही नहीं करा है, ये बिल्कुल खाली है। तो मैं सोच रही हूँ इसमें वो चीज़ सेट करूँगी जो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती। तो जैसे कि अभी सर्दी आएंगी ना, तो गर्मियों के कपड़े इसमें सेट कर दूँगी, तो गर्मियों के कपड़े 3-4 महीने बाद ही निकालने पड़ते हैं जैसे कि आपको पता है, तो ये 3-4 महीने बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ ऐसी चीज़ रखूँ, अदरवाइज मैं ऐसी चीज़ रख दूँगी डेली यूज़ होती है, तो बार बार खोल खोल के पागल हो जाएंगे हम, और फिर खोलने से सारा मतलब बिस्तर हटाओ फिर है ना, अच्छा नहीं लगता। तो टीवी की आवाज़ कम करी बप्पू,
तो अभी मैं तुल्ली को लेने जाऊंगी, देखती हूँ फिर थोड़ा सा शूट करूंगी या नहीं। अभी यहीं पे रोकती हूँ मैं वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं थोड़ी देर लेटना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह से ही लग रही हूँ जब से वो गए हैं। और कल जितनी हमने रगड़ा रगड़ी करी है ना दीवारों पे, सारा महल जो छुटाया, आप देख सकते हैं आप दीवार कितनी सही लग रही है। तो जो रगड़ने से ना ये जो कंधे हैं, सुबह जब उठे थे ना, मैं भी और हस्बैंड भी दोनों इतने अकड़ गए थे, मतलब पड़े पड़े सुबह उठा ही नहीं जा रहा हूँ भैया, ना हाथ ऊपर हो रहा ना कुछ हो रहा। मैं एक्सरसाइज करने गई ना, एक्सरसाइज भी नहीं हो रही, इतना दर्द हो रहा, इतना बुरा दर्द हो रहा। और हस्बैंड तो मतलब टैबलेट लेके तब गए हैं काम पे कि भाई मेरे को तो जाना ज़रूरी है, तो मैं दर्द का बहाना लेके घर में भी नहीं रुक सकता। तो मैंने कहा यार आप भी जा रहे हो तो काम तो यहाँ पे भी है, काम तो मुझे भी है बहुत ज़्यादा। तो पर मैंने टैबलेट नहीं ली, मैंने कहा चलो हो जाएगा एक दो दिन में। तो मेरे ये जो कंधे हैं ना ऊपर उठाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ता है, क्योंकि ना मेरे खलबली रहती है, जल्दी जल्दी हो जाए ना तो मुझे अच्छा लगता है, वरना वहीं दिमाग रखा रहता है यार, फैल रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर उससे, हैं थोड़ी देर में। तो एवरीवन तो बज गए हैं डेढ़, अभी मैं जाती हूँ फटाफट दुल्ली को ले आती हूँ स्कूल से। तो बब्बू को नहीं ले जा रही हूँ मैं, बब्बू यहीं पे रहेगी, मैं दौड़ के जाती हूँ और ले आती हूँ, नहीं तो बब्बू को ले जाऊँगी ना, बहुत स्लो चलती है और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो टाइम लगेगा फिर जाने में, इसलिए नहीं ले जा रही उसको। तो वो रह लेगी, मैंने कार्टून चला लिए, वो देखती रहेगी। बारिश भी आने लगी। सो एवरीवन तो मैं आ गई हूँ तुल्ली को लेके, इसको कपड़े देके आ गई हूँ और उसके लिए खाना भी घाल के आ गई हूँ। मैंने कहा तू खा के आ जाइए ऊपर, तो बहुत ज़्यादा थक गई दौड़ दौड़ के आए हैं। वैसे तो बूंदे सी आ रही थी, लेकिन ना घमस वाला मौसम हो रहा है, बिल्कुल भी ना बाहर रुका नहीं जा रहा, इतनी घमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जी काम तो चलते ही रहेंगे, काम का कोई भर एंड नहीं होता, तो वीडियो तो हमें थोड़ी छोटी डालनी पड़ती है, वरना आप लोग बोर हो जाओगे। तो जी एंड कर देती हूँ वीडियो का, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। तो अभी तक ना इसके चाचू का सामान गैलरी में ही पड़ा है हमारे, तो कल ना वो सफाई करवा रहे थे, तो उनका फर्नीचर भी थोड़ा बहुत टूट गया था, तो उस फर्नीचर को भी फिर वो लगवाने लग गए, तो सामान अभी यहीं है। फर्नीचर लग जाएगा उसके बाद ही सामान वहाँ हटेगा, तो आज मैं गैलरी में सफाई नहीं कर पाई सुबह, तो सामान हटेगा तभी सफाई करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं एंड कर देती हूँ अपनी वीडियो का। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।